तो यहाँ से तो पूरा रोड की तैयारी भी हो गई है, और ये वन वे कर रखा है इस टाइम, आपने वीडियो में देखा भी होगा। और पीछे जो उस पार में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये सारे खेत हैं, खेती स्टार्ट हो गई है। मैं यानी कि पूरे विलेज एरिया में आ गया हूँ इस समय। वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। और आज दिन बहुत बढ़िया है, मंगलवार है और थोड़ा सा घूमने निकले हैं। देखते हैं कैसी रहेगी राइड आज की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहाँ से जो जेसीबी दिख रही है, वहाँ से लेकर के और वहाँ हमारे खजूरी पार से आगे तक, ये जो अभी न्यू हाईवे बन रहा है सहारनपुर वाला, और ये जयपुर सहारनपुर दोनों तरफ निकलेगा। और इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे पता चला तो मैं इस पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये स्टार्ट है सहारनपुर के लिए, और यहाँ से आगे तक हम लोग कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर कबूतरों के लिए दाना डाला जाता है, और ये इन भाई का स्टॉल है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा काम दिखाई भी दे रहा है सहारनपुर के लिए, पिलर्स वगैरह बन गए हैं बहुत सारे, और ट्रैफिक तो हो ही रहा है जाम। ये देखो स्विफ्ट आ गई सामने, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट तो हो ही रही है। और सामने मुझे वो लोहे का कुछ ब्रिज वगैरह दिख रहा है, देखते हैं एक सेकेंड एक सेकेंड। और हाँ, तो देख ही रहे हो आप लोग, पिलर्स वगैरह तो बन ही गए हैं, और सामने शायद ये यानी कि काम तेज़ी में चल रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी में। तो अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ और इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ, तो चलिए। मुझे तो लग रहा था यहाँ पे थोड़ा ही काम हुआ होगा, क्योंकि मैंने इस रूट से जाना बंद कर दिया था, बहुत ही कम आना जाना करता था, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा आता था इस रूट पे, मगर अब तो भाई नक्शा ही बदल दिया यहाँ का। और ये देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक तो है ही, और ये साइड में यानी कि ये टू वे था एक ही रोड को, और ये भी वन वे कर दिया है सिंगल रूट को। और जो मेरे लेफ़्ट साइड में है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो पेड़ वगैरह और बाकी की चीज़ें थी उनको सबको काट दिया गया है। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं खजूरी, और खजूरी पे चारों तरफ बस कंस्ट्रक्शन ही दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें। और यहाँ तक अब पिलर्स वगैरह जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं, तो जल्द ही हमें सहारनपुर का हाईवे देखने के लिए मिलेगा। और जो खजूरी पे है वो मेट्रो का भी काम चल रहा है, यहाँ पर आप मेरे सामने देख सकते हो, लेफ़्ट साइड से जो सिग्नेचर की तरफ से आते हैं वहाँ से मेट्रो का भी मगर जाम लग रहा है। वेट वेट वेट, मेरा मन कर रहा है ये जो राइट साइड में गैप है इसमें अंदर जाके वीडियो शूट करूँ, अगर गैप मिला तो पक्का वीडियो शूट करूँ इसके अंदर जाके, कोशिश यही रहेगी। हाँ चलो ओपन तो है भाई, अब ये देखना है मुझे, पहले थोड़ा सा कट ले लूँ उसके बाद, तो चलिए थोड़ा सा चलता हूँ आगे फिर देखते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खजूरी, और खजूरी में पीछे हम लोग वहाँ से आ रहे हैं, और यहाँ तक का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, कुछ पिलर बन चुके हैं कुछ नहीं। तो अब हम इससे आगे जाएंगे और देखेंगे आगे कहाँ तक क्या काम चल रहा है। तो मुझे आगे इसका एंड तक देख के आना है आज के, आगे कहाँ तक काम चल रहा है। बट यहाँ पे रॉन्ग वे जाना पड़ रहा है मुझे, रॉन्ग वे पे डर लगता है थोड़ा सा। अरे चलो चलो चलो, गाड़ी आ रही भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, वेट। ओ बच गए अंकल, क्या करके मानोगे, चोट लग जाती मेरे, मैं भी थोड़ा रॉन्ग साइड चला रहा था, गलती हो गई मेरे से।
फटाफट यहाँ से। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था, इसमें मैं सबसे पहले वहाँ से फटाफट निकला। और अब मेरी आप राइट साइड देख सकते हो, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। तो अब मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ। वहाँ से और यहाँ तक सिर्फ खुदाई हुई है ओनली, बस पीछे तो पिलर भी स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं अब और आगे जाके देखना चाहता हूँ कि आगे कहाँ तक ये हो रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर अब दिल्ली का बॉर्डर समाप्त हो गया और यहाँ से उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो गया है। तो अब हम लोग दिल्ली से यूपी में चलने वाले हैं। तो चलिए, उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। और तो अब हम लोग उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि ये सहारनपुर वाला हाईवे का काम इस रूट पे कहाँ कितने दूरी तक चल रहा है। अभी हम लोग शास्त्री पार्क से पीछे आ रहे हैं, शास्त्री पार्क लोकेशन जो थी हमारी वहाँ से, और हमें आगे जाना है और आगे देखना है कि कहाँ तक हमारा जो है ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कितनी जगह पे बन चुका है और कहाँ तक रह रहा है, ये सब चीज़ें। तो चलिए अब मैं फिर से इसे फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ इस वीडियो को। तो यहाँ से तो पूरा रोड की तैयारी भी हो गई है और ये वन वे कर रखा है इस टाइम, आपने वीडियो में देखा भी होगा। और पीछे जो उस पार में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये सारे खेत हैं, खेती स्टार्ट हो गई है। मैं यानी कि पूरे विलेज एरिया में आ गया हूँ उस समय। तो अब मुझे जल्दी से जल्दी इसके एंड पे पहुँचना है और अब थोड़ी बहुत ही दूरी रह गई है। मैंने पता करा है आगे कुछ जो ऑटो वाले चल रहे थे कहाँ तक कहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये हाईवे का। तो जैसे जैसे मैंने पूछताछ करी और मुझे पता चला तो बस थोड़ी दूर है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर। तो मैं इस वीडियो को फिर दोबारा से फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ। सामने से वाला जो रूट दिख रहा है अब यहाँ से सहारनपुर के लिए कट जा रहा है, यहाँ से बागपत और सहारनपुर दोनों के लिए मिलता है। तो अब हम लोग वापस जाने वाले हैं और रास्ते में जो खेत पड़े थे थोड़ा सा मैं वहीं रुकूंगा, दिखाता हूँ। तो मुझे वो कट मिल गया है जहाँ से खेत दिखाई दिए थे और ये रहा वो कट। तो चलिए चलते हैं
खेतों में, क्योंकि नेचर का जो व्यू और जो खुशबू वहाँ की होती है वो ऑसम होती है, एकदम ऑसम। और इस चीज़ के लिए मैं कितनी भी दूर जा सकता हूँ, तो व्यू भी अच्छा होता है। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं, मैं अपनी साइकिल खड़ी कर दूँ। ये मैंने की साइकिल खड़ी, वेट हो गई। तो अभी हम लोग जहाँ पर हैं वो है सहारनपुर टू दिल्ली हाईवे बन रहा है यहाँ, और मेरे पीछे यहाँ पर खेत दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, और मस्त फुल इंजॉय एकदम, क्योंकि मुझे आते टाइम मैंने देख लिया था यहाँ पर खेत हैं और मुझे देखते हुए जाना है जाना है जाना है, इसीलिए मैंने तो अब मैं जाने वाला हूँ वापस से घर, और वापस से घर जाने वाले हम लोग। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।